मैं आप आज एक फिल्म चलाइए, काका टैंकी को भी नहीं चेक करता, आज तिकर मैंने को बंदा दस दे पैदल जाने हुए बंदे की किसी ने टैंकी चेक की हो। कहना कि मैंने गाड़ी पे आना तो मेरा पेट्रोल महंगा है, इसलिए जो 25,000 रुपए का न्याणा बनता था अब 40,000 का न्याणा पाएगा। बशीर मोची का कख नहीं रहना, ओदा बेड़ा गर्क होना। तेरा चंड मारनी अन्नी, मेरे मुँह च गाल निकल लगी सी, तेरे मैं दस देव यह जरा 5 रुपये टैक्स किया ना, भावें 6 रुपये कर दो, बंदे बधा दो, सानू तकलीफ होंगी लाइन च लगन लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान। नाज़रीन, हमारे साथ हमेशा की तरह आपके फेवरेट बाबा जाना मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ बात करते हैं जो भी करंट सिचुएशन होती है पाकिस्तान में, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो। लेकिन आज हमने इनको मधु किया है महंगाई, जो इस टाइम पेट्रोल की कीमत जो है 138.44 रुपये हो चुकी है, अवाम के बस से बाहर हो गया पेट्रोल। तो बाबा जाना से जानते हैं, ये हमारे तक पहुंचने में इन्होंने 2 घंटे लगाए हैं, पेट्रोल डलवा कर ये घूमते रहे, इनको समझ नहीं आई पेट्रोल कैसे ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैद भाई, इतने गुस्से में क्यों है, क्या हुआ है? मैं कल्ला नहीं, पूरी कौम गुस्से च इस टाइम। वो क्यों? वो 138.44 रुपये पेट्रोल होगा, तन खुदा का खौफ नहीं है यार? वो तो पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है, पाकिस्तान में सिर्फ थोड़ी हुआ है, हांगकांग में आप देख लें 500 रुपये लीटर चला गया है, उसके अलावा आप अमेरिका में देख लें वहाँ महंगा हो गया है, पाकिस्तान में कोई नोखा तो नहीं हुआ? वो पेट्रोल महंगा हो गया ठीक है, लेकिन हांगकांग बेरोजगारी नहीं हैगी, हांगकांग की जी हुकूमत है हर बंदे रोजगार दें, वो भावें 1,000 रुपये लीटर भी करे, बंदा पैसा कमाता होएगा तो फिर भर भी लेगा, जो बंदा कमाता नहीं गा घट्टा पेट्रोल पवाएगा। तो बाबा जाना, आप जब पेट्रोल डलवाने गए तो आपको पता था पेट्रोल में और महंगा हो गया? पहले तो महंगा हुआ था, अब मजीद महंगा हो गया? पहले तो मैं जो घरों निकलें यही सोचता रहा यार पेट्रोल महंगा हो गया, पहले 100 का पवाना सी पहुँच जाता सीगा, हूँ मैं 150 का भी पवाना, तो अधे रस्ते जाके मैं धक्का लवाना पैंदा, हूँ तो लोग फिल्मा चला लग पे ने। वो कैसे? मैं आप अज एक फिल्म चलाई। वो कैसे? मैं एवं घरों निकलिया, मैं नहर से चढ़िया तो मैं गड्डी बंद करके रेड़न लग पे, लोग पुछन बाबा जी खैर है, मैं पेट्रोल मुक गया, कहना हाथ फड़ लो, हाथ फड़ के कम अज कम 15 किलोमीटर मैं करके आया, मैं पेट्रोल बचाया अपना। वाह वाह वाह। तो अगर वो टैंकी चेक कर लेता फिर छतरोल होनी थी आपकी वहाँ पे? काका टैंकी कोई भी नहीं चेक करता, आज तिकर मैंने को बंदा दस दे पैदल जाने हुए बंदे की किसी ने टैंकी चेक की हुए। अच्छा बाबा जी, ये बताएं कि जो लोग इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि जब से ही आया महंगाई हो गई है, पेट्रोल काबू में नहीं आ रहा, और भी चीज़ें महंगी हैं, अब पेट्रोल महंगा होगा जहरी बात है हर चीज़ महंगी होगी, फल हर चीज़ में इजाफा होगा। सुनया न्याणे महंगे हो जाने ने। वो कैसे? पहले जिहड़ी दाई सीगी आ पढ़ी लिखी दाई जिहनूं असीं लेडी डाक्टर कहने आ, ठीक ना, ये पहले लैंदी सी 20,000 रुपया 25,000 रुपया न्याणा जम्मन दा वड्डे परेशान दा दवाइयां समेत कमरा समेत। उसका पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? सुनया हुण उहने वी कहना कि मैंने गाड़ी पे आना तो मेरा पेट्रोल महंगा है, इसलिए जो 25,000 रुपये का न्याणा बनता था अब 40,000 का न्याणा पाएगा। अच्छा पेट्रोल से ये भी चीज़ें होंगी? सुनया आने वाले वक्त देखो तनल की होंगी, जिन्हें जिन्हें इमरान खान वोट दिता ना वो हूँ मजे लुटे, तो हर चीज़ में अग लग जानी है, किराए महंगे, हूँ तुम दुआ करनी ना फौतगी हो रिश्तेदारों से तो ना कुछ ही हो, क्योंकि एक शहर तो दूसरे शहर से जाने से इस टाइम फौतगी का भी खर्चा ओना ही है, तो शादी विआह का भी खर्चा ही ओना ही है, उत्तों जिनी महंगाई होगी, जिन्ना पेट्रोल महंगा हो गया, जिन्हें किराए महंगे हो जाने, हूँ तुम करो बाहर निकलन लगे डरना है, तुम खौफ खाना है, हूँ तुम यार दोस्त ने कहना व्हाट्सएप पर मिल लै मैं नहीं आ सकता पेट्रोल महंगा होया पाया, यारियाँ दोस्ती रिश्तेदारियाँ खत्म, इमरान खान साहब ने ताड़े ओ हाल करना है, तुसी सिर्फ कर सुते रहना है। अच्छा बाबा जी, आप नवाज शरीफ के दौर में तो जिंदा थे, मतलब जिंदा तब भी थे ना आप? वैसे मैं जिंदा है अंदरों में मरिया पाया। नहीं, नवाज शरीफ का दौर आप नहीं समझते कि अच्छा था? 60 रुपये का लीटर पेट्रोल मैंने भी डलवाया हुआ अपने होश में, तो आपने भी वो दौर देखा हुआ नवाज शरीफ वाला, वो कहते हैं वो चोर है, उसने ये किया, तो पेट्रोल उसके दौर में तो सस्ता था। ऐ तो हूँ जेड़े इमरान खान को वोट देंदे से ना, जेड़े मेरे यार दोस्त मैं कहते इमरान खान का तुम्हें नहीं पता ऐसा लीडर लभ्या, तू अजे भी कुछ लोग है जी वो तरीफा इंज करते हैं, आप लोगों को समझ नहीं है। इमरान खान का क्या कसूर है पेट्रोल से? वो पंप लगा हुआ थी। बशीर मोची का कख नहीं रहना, ओदा बेड़ा गर्क होना, बशीर मोची के बच्चे भुखे मरण गए, बशीर मोची ने मैं कहना रात को नींद नहीं आएगी। कौन है बशीर मोची? इमरान खान तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि उन्हें पेट्रोल महंगा नहीं किया, बशीर मोची ने महंगा किया ना, उन्हें तो बुरा भला कह लेंगे ना, मैं तेरा चंड मारनी अन्नी, मेरे मुँह च गाल निकल लगी सी, तेरे मैं दस देव, ये साड़ी कौम भला कौम है? कौन सी है? एक नवा नवा बादशाह आया,
ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਦੱਸਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਕਰੋ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਲ ਬਣੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਫੀ ਬੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ 6 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮੇ ਇਹ 138 140 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰ ਖਾ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਇਹ ਦੌਰ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੌਰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੱਧਰੇ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ ਦੌਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ 10,000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀਗਾ ਇਹਨੇ 26,000 ਡਾਲਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਅੰਦਰ ਟੱਕ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਚੋਰ ਪਕੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਦੀਏ ਜੇਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੱਜ 138 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਡਰਿਆ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਕਰੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾਗੋ 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 ਜੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਜਾਗੇ ਨਾ ਜਾਗੇ ਆਪ ਨਾ ਫੋਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫੋਤ ਬਸ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਾਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਗੁੱਸੇ ਮੇ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸ ਪੇ ਜਾਣਾ ਖੋਤਾ ਰੇਡੀ ਪੇ ਜਾਏਂਗੇ ਕਿਸ ਪੇ ਜਾਏਂਗੇ ਹਮੇ ਯੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਇਨਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੇ ਹਮ ਤੋ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਵੋ 60 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਏ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣੇ ਸਹੀ ਹੈ ਮੁਝੇ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਜੀਏਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ